जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओम चो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ज्योतिष के बारे में मोटिवेशनल वीडियो और बिल्कुल सटीक जानकारी हमेशा आपको उपलब्ध होती रहेगी, बिल्कुल फ्री है। तो लाल बटन आपको दिखाई दे रही है सब्सक्राइब की, उससे अगर वो लाल है तो दबाए और चैनल से जुड़ जाए। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि भगवान को खुद के पास पाएंगे, आपकी राशि वाले जो जातक हैं भगवान को खुद के पास पाएंगे आप। बहुत से जातक के प्रश्न होते हैं कि भगवान है या नहीं है, बहुत से जातकों का प्रश्न है कि अगर है तो कहाँ है, कैसे है, हमें क्यों नहीं दिखाई देते, और तरह तरह के भगवान से रिलेटेड अगर प्रश्न है तो सभी चीज़ें आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। पहली और मुख्य बात कि इस दुनिया में डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस दुनिया को ईश्वर चला रहा है, इस चीज़ को हमें मानना होगा, क्योंकि यहाँ पर पाँचों हवा अग्नि वायु इन पर हमारा मानव का कोई जोर नहीं है दोस्तों, कोई जोर नहीं है। जो भी यहाँ हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। अच्छा बुरा ये केवल हम इस दुनिया के माध्यमों को तुलना करने के बाद हम खुद को, यह जरूरी नहीं कि जो चीज़ हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए ख़राब हो रही है, लेकिन वास्तविकता में आगे जब हम जाते हैं तो पता लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी थी, जिस चीज़ को हमने जिया सहन किया और यहाँ तक आए वो तब जाके हमें पता लगता है। लेकिन उस समय तात्कालिक क्षणों में हमें ऐसा लगता है कि ये गलत हुआ हमारे साथ, लेकिन वास्तविकता और कुछ होती है। तो ईश्वर हमेशा अपने बच्चों का भला चाहता है, हमेशा आपका अच्छा होगा। कभी इस मानसिकता में मत रहिएगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो। दोस्तों कोई चाहकर भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में जो मैंने आपसे पूरी जो बेसिक फाउंडेशन बताया कि क्यों है ईश्वर ज़रूरी, और ईश्वर हमारे आसपास, हम खुद हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है, हम चार चीज़ों से घिरे हुए हैं। सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, और सबसे काम क्रोध लोभ और सबसे महत्वपूर्ण होता है मद, मद है चौथा दोस्तों। तो काम क्रोध लोभ मद, हम इन चारों दरवाजे हैं ये हमारे जीवन के, और ये चारों दरवाजों से हम घिरे हुए हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले अपने काम को, क्रोध को, मद को, लोभ को कम करें और इन चीज़ों से बाहर आए। इन चीज़ों से बाहर आप कैसे आ पाएंगे? इन चीज़ों से बाहर आने का सबसे मुख्य और पहला और आखिरी कारण केवल एक है, वो ईश्वर का नाम स्मरण या ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा। जब तक आप ईश्वर का नाम नहीं लेंगे तब तक आपको एक अलौकिक अनुभव नहीं होंगे। हर व्यक्ति के साथ अलग अलग अनुभव होते हैं, मेरे साथ कुछ अलग अनुभव होगा, आपके साथ कुछ अलग अनुभव होगा, लेकिन अनुभव ज़रूर होगा। बस दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, आप मेरी बात मानिए, आप 15 दिन तक कंटिन्यू आज से अभी से इसी वक्त से शुरू कर दें, सिर्फ जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिन्हीं भी देवी देवता को आप मानते हैं, जैसे मैं बाबा महाकाल को मानता हूँ तो जय श्री महाकाल है, वैसे श्री राम जय राम हो गए और ओम नमः शिवाय का जाप हो गया, कंटिन्यू करते रहें। उठते बैठते सोते हर काम में थोड़ा भी वक्त मिले, अगर 2 मिनट भी मिले तो उसमें केवल इसी मंत्र का जाप करें। आप खुद 15 दिन में पाएंगे, आप मैग्नेट हो जाएंगे, जो चीज़ आप चाहेंगे सिर्फ सोचेंगे वो आपके पास खींची आएगी। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप जब जब नाम लेंगे तो शुरुआत में रुकावटें बहुत पैदा होगी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, आपके साथ रुकावटें होगी, वैसी रुकावटें नहीं होगी कोई दिक्कत वाली, लेकिन ये नाम लेने से कोई एक अदृश्य शक्ति आपको रोकेगी, ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप ईश्वर का नाम लेंगे, और मैं अगर आप ईश्वर का नाम लेंगे तो भगवान को खुद के पास पाएंगे आप, वो अनुभव करेंगे, आप मन में जो सोचेंगे वो चीज़ आपसे हो जाएगी कि मैंने सोचा ही था, और हाथ उठेंगे भी नहीं और मुराद पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों प्लीज़ आप ये करिएगा, और वीडियो को लाइक करें अधिक से अधिक, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कि वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस बात को जान पाए, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े क्योंकि बिल्कुल फ्री है, और कमेंट्स में लिखे जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।